सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय है 1848 की फ्रांस की क्रांति का यूरोप पे प्रभाव। 1848 की फ्रांस की क्रांति का प्रभाव हमें समस्त यूरोप पर दिखाई देता है। हालांकि ये क्रांति यूरोप के विभिन्न देशों में असफल रही थी, किंतु 1851 का जो यूरोप को अगर हम देखें तो यह 1847 के यूरोप से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। और यह भिन्नता हमें विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती है। सबसे पहले हम बात करें राजनीतिक क्षेत्र में इस क्रांति के प्रभाव की, तो हम देखते हैं कि यद्यपि प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासकों ने क्रांति को असफल बनाकर यूरोप में पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया था, लेकिन फिर भी 1848 की क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में यह प्रभाव हुआ कि एक तो कृषि दासता यूरोप में समाप्त हो गई। क्रांति काल में सार्डिनिया, स्विट्जरलैंड, होलैंड और डेनमार्क में जो वैधानिक परिवर्तन किए गए वे कुछ अंश तक वहां कायम रहे। डेनमार्क के शासक ने उदारवादी संविधान और संसदीय व्यवस्था को लागू किया। स्विट्जरलैंड में गृहयुद्ध को समाप्त करके वहां पर भी नवीन संविधान लागू किया गया। 1848 में सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने जो संविधान स्वीकार किया था वो ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद भी विक्टर इमैनुअल के शासनकाल तक बना रहा। 1850 में इटली में सार्डिनिया ही एकमात्र वैधानिक एवं उदारवादी राज्य था। 1848 की क्रांति से विभक्त इटली और विभक्त जर्मनी में राष्ट्रवाद की लहरें उठी। इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। कई राज्यों में जो सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया था वे क्रांति की असफलता पर भी प्रतिक्रियावादियों द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। कृषक वर्ग को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, समाज में उन्हें सम्मान मिला। 1848 के बाद यूरोप के सम्राटों के प्रति आदर आनुवांशिकता के स्थान पर बुद्धिमता के आधार पर होने लगा। सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं अब तर्क की कसौटी पर कसी जाने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि क्रांति के पश्चात यूरोप ने अपने अतीत से संबंध तोड़ लिया। 1848 की क्रांति अनुभवी नेतृत्व के अभाव के कारण असफल रही थी, लेकिन 1848 के बाद जनता द्वारा सामूहिक रूप से राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अन्यायों के विरुद्ध आवाज उठाई जाने लगी। यूरोप के समाज में एक महान परिवर्तन था जो जनता द्वारा किया गया, और इस बात का समर्थन करते हुए एजेपी टेलर ने फ्रांस नेपोलियन टू स्टालिन में लिखा है कि 1848 में जिस युग का आरंभ हुआ वह जन युग था। 1848 समाजवाद का भी विकास हुआ इस क्रांति के प्रभाव के फलस्वरूप। समाजवाद के विकास में प्रमुख भूमिका रही औद्योगिक क्रांति की रही थी। बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के साथ साथ श्रमिकों की संख्या भी लगातार बढ़ती रही, पर श्रमिकों का कारखानों में काम करने से कोई आर्थिक हित नहीं हुआ। कारखानों के मालिकों के द्वारा उनका लगातार शोषण होता रहा। शोषण के साथ साथ उनकी गरीबी भी बढ़ती रही, और इस कारण से इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य यूरोपीय औद्योगिक देशों में आर्थिक व सामाजिक विषमताएं बढ़ती चली गई। सरकारों ने भी पूंजीपति मालिकों का ही पक्ष लिया। मजदूरों के संगठित होने में बाधाएं उत्पन्न हो करते रहे। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड और फ्रांस के समाजवादी विचारकों ने श्रमिकों की दशा सुधारने एवं जन कल्याण की भावना से समाजवाद को और पल्लवित किया।
समाजवादी विचारधारा के विकास में इंग्लैंड की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंग्लैंड में मानवतावादी उद्योगपति रॉबर्ट ओवन आदर्शवादी समाजवाद के प्रणेता थे। उन्होंने श्रमिकों को ट्रेड यूनियंस के माध्यम से संगठित किया। इंग्लैंड का चार्टिस्ट आंदोलन उनके इन प्रयासों का ही प्रतिफल था। 1848 की क्रांति में इस आंदोलन की भी बड़ी भूमिका रही। हालांकि फ्रांस में समाजवाद का बीजारोपण तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो कि 1789 में ही हुई थी उसके साथ ही हो गया था, लेकिन फ्रांस में समाजवाद का उग्र रूप हमें 1848 की क्रांति के समय दिखाई दिया। समाजवादी फ्रांसीसी नेता लुई ब्लांक ने फ्रांस में मजदूरों के काम के अधिकार राइट ऑफ वर्क का समर्थन किया और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कारखानों नेशनल वर्कशॉप की स्थापना की मांग की। हालांकि फ्रांस के समाजवादी विचारक आदर्शवादी एवं अव्यावहारिक सिद्ध हुए, लेकिन फिर भी वे आधुनिक समाजवाद के अग्रदूत माने गए। 1848 तक ये समाजवादी विचारक विभिन्न दृष्टिकोणों से समाजवाद का प्रसार करते रहे। उन्होंने तत्कालीन आर्थिक सामाजिक व्यवस्था की कमियों पर लगातार प्रकाश डालने की कोशिश की और श्रमिकों को उचित वेतन दिलाने का प्रयास किया। लोकतंत्र का भी उन्होंने समर्थन किया, मजदूरों को संगठित करने का प्रयास किया। धन्यवाद।